हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गनाश। ये अमूल की फ्रूट एंड नट डार्क चॉकलेट कंपाउंड ली है। 150 ग्राम है और मैं इसमें से अब 100 ग्राम चॉकलेट का चॉकलेट गनाश बनाऊंगी। मैंने अभी चॉकलेट के पीसेस कर लिए हैं और मैंने अब पैन गर्म करने के लिए रख दिया है और उसमें अब मैं 1 कप दूध ऐड करूँगी और उसके बाद फिर जो मैंने अपनी चॉकलेट कट करके रखी हुई थी उसको ऐड करूँगी। और ये सब प्रोसेसिंग में मुझे अपनी गैस मीडियम फ्लेम पर रखना है। हाई फ्लेम पर करूँगी तो मेरी चॉकलेट जल जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि ये इसमें गैस मीडियम फ्लेम पर रहे और मैं इसको धीरे धीरे चलाती जाऊँगी। जब तक मेरी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं इसको अच्छी तरह से चलाती जाऊँगी। और मैंने अपनी गैस को इस टाइम एकदम लो फ्लेम पर रखा है और आप चाहें तो इसमें थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि डार्क चॉकलेट है तो थोड़ा कड़वा इसका टेस्ट आता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जो हमने चॉकलेट ली थी ये फ्रूट एंड नट चॉकलेट थी, तो इसमें ये जो पीसेस दिख रहे हैं ये चॉकलेट के नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स के हैं। तो ध्यान रखना है कि आप भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स वाले ले रहे हैं तो इसमें जो पीसेस हैं वो चॉकलेट समझ के इसको ज़्यादा मेल्ट करने में ना लगे, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होने वाले हैं। ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमें ध्यान रखना है कि ये ना तो ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा, इसका थोड़ा मीडियम रखना है क्योंकि ये जब जैसे जैसे ठंडा होगा अपने आप ही ये गाढ़ा होता चला जाए। क्योंकि मैं अपनी गैस बंद कर दूँगी और एक बाउल में इसको अब निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैंने इसको निकाला है और मेरे पास एक केक रखा था। अब मैं इसकी डेकोरेशन करके और दिखाऊंगी कि चॉकलेट गनाश से हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। एक बेस बनाना मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चॉकलेट गनाश से अपने केक को अच्छी तरह से कवर कर लिया और ये जो आपको पीसेस दिख रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स के हैं, तो ये तो हटने वाले हैं नहीं है क्योंकि मैंने ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट लिया, इसीलिए मैंने इस केक का नाम भी रखा है ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स केक। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। उसने केक को एक स्टैंड पर रख रखा था, मैंने इसको प्लेट में ले लिया है और ये देखिए मैंने चॉकलेट गनाश से इसको अच्छी तरह से कवर कर लिया। कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये केक। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। जो 50 ग्राम मैंने चॉकलेट पहले ही बचा रखी थी उससे अब मैं ऊपर इसकी डेकोरेशन करूँगी। और मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश काजू और बादाम, इनके पीस पहले ही मैंने कट करके रख लिए थे। कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से अपना केक डेकोरेट कर सकते हैं और मैंने भी किया। मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनसे ही इसको सिर्फ डेकोरेट किया है क्योंकि मैंने मेरी जो चॉकलेट थी वो फ्रूट एंड नट चॉकलेट थी, तो मैंने इसी के हिसाब से इसको फ्रूट एंड नट में कन्वर्ट कर दिया था। और ये देखिए ये बहुत टेस्टी और यमी बना है और इसकी डेकोरेशन भी एकदम इजी तरीके से मैंने की है। और अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ पहली बार आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।